अस्सलामुअलैकुम, मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, एआई और चैट जीपीटी का आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए जो चैट बॉट बनाया गया है, चैट जीपीटी जिसको नाम दिया गया है, उसको यूज़ करके आप ऑनलाइन कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऑनलाइन आप डॉलर्स कैसे कमा सकेंगे, इसका पूरा तरीक़ेकार मैं स्टार्ट से लेके स्टेप बाय स्टेप एंड तक आप किस तरीके से करेंगे, ये पूरी एक वीडियो इसके अंदर मौजूद होगी। आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें और बेनिफिट हासिल करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो उस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही घंटी के बटन बना हुआ है, इस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। जब भी ब्लॉगिंग के हवाले से, कंप्यूटर ऑटोमेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो उनके जो नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आपके मोबाइल आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिल सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल बना चुके हैं या बनाना चाह रहे हैं, वेबसाइट बना चुके हैं बनाना चाह रहे हैं, फ्री ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स स्टोर वगैरह या चैट जीपीटी को यूज़ करना चाह रहे हैं लर्न एंड अर्न के कॉन्सेप्ट से, तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें। इसके ऊपर हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके दोस्तों, ये मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है, मैंने लॉगिन किया हुआ है इस वक्त, ठीक है। आप अपनी आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो दो आपके पास ऑप्शन आएंगे, चैट जीपीटी 3.5 है और चैट जीपीटी 4 है। चैट जीपीटी 3.5 जो है वो आपका फ्री है, ठीक है। इसका प्रोसेस, अगर चैट जीपीटी 4 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेड है, $20 पर मंथ अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें फ़र्क क्या है, ये 3.0 है, इसमें ये चीज़ है, कैपेबल है, फास्ट रिस्पॉन्स है, एक्सक्लूसिव एक्सेस टू बीटा फीचर्स लाइक ब्राउजिंग प्लगइन एंड कोड इंटरप्रेटर है। इसके अंदर रेगुलर मॉडल अपडेट होते हैं, नॉर्मल है, प्लस के अंदर ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ओके, आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, हम ब्लॉगर को यूज़ करेंगे, ठीक है, blogger.com को यूज़ करेंगे और यहाँ हम एक ब्लॉग बनाएंगे। उस ब्लॉग को हम चैट जीपीटी के थ्रू उसके ऊपर डाटा अपलोड करेंगे और फिर उसके बाद हम जो हमारा इस वक्त गूगल एडसेंस है उसके थ्रू एडसेंस का सारा प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट करेंगे, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले मैं आपके पास जो प्रोसेस करने जा रहा हूँ वो चैट जीपीटी का है और यहाँ पर ब्लॉग स्पॉट का है। अब क्या करेंगे, हम इस एरो पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे न्यू ब्लॉग के नाम से। ओके दोस्तों, हम जो ब्लॉग क्रिएट करने जा रहे हैं वो ट्रैवल का ब्लॉग है। ट्रैवल जो ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं दुनिया भर के अंदर वो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप ने क्या करना है, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इसकी वो क्या चीज़ है, ठीक है, प्रमोटर किट आप खोल लें, आपके पास जो सर्चिंग कैपेसिटी है, ठीक है, कि इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल के उसमें कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो कीवर्ड रिसर्च टूल जो है फ्री एसईओ का टूल, इसको आप यूज़ करें तो आपको बेनिफिट मिल जाए। कैसे, मिसाल तौर पर यहाँ मैं ट्रैवल लिखता हूँ इस तरीके से और मैं आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर इसको वेरीफाई कर लेते हैं और फाइंड के बटन पर क्लिक करते हैं। जस्ट आप ट्रैवल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो टॉप के कीवर्ड्स हैं, टॉप 10 कीवर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप ज़्यादा देखना चाह रहे हैं तो आप इसको साइन अप कर लें, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर देखें आपके पास क्या चीज़ आई है। मंथली जो सर्चेज हैं, याद रखें 6,73,000 इस वक्त मंथली सर्चेज हैं इस ट्रैवल वर्ड्स की, ठीक है। ये देखिए CPC कितना है, $0.6 है, मतलब $1 भी आप क्लिक करते हैं तो आपको $0.6 आपको मिल सकता है। ट्रेंडिंग ये है, ये बढ़ रही है यहाँ ट्रेंडिंग। 12 पेड कंपटीशन है, आप मिसाल तौर पर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आ गया। ओके, ट्रैवल 6,73,000, ट्रैवल एडवाइजरी 33,000, ट्रैवल एडवाइजरी इस तरीके से आप करेंगे तो ये है एडवाइज़र है, ये एडवाइजरी है। ट्रैवल एजेंसी 1,65,000, ट्रैवल एजेंसी नियर बाई, ठीक है, आप देखेंगे ट्रैवल एजेंट जॉब्स, ट्रैवल एजेंट नियर बाई, ये देखें सर्च कितनी है, 1,35,000 और ये पर मंथ है। और इसका CPC देखें, ट्रैवल एजेंट की CPC देखें, 1.25 है, एक क्लिक के ऊपर आपको $1.25 तक मिल सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रैवल टू पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ टाइटल लिख देंगे ट्रैवल टू वर्ल्ड। हम अपने आप को बाउंड भी नहीं करते कि आप पाकिस्तान में करेंगे, आप ट्रैवल टू वर्ल्ड कहीं भी ट्राउंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आ गया, अब आ गया ब्लॉग स्पॉट, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है,
और आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो ही आप ये इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी कि ये आपका नहीं है इस वक्त। ओके, हम क्या करते हैं इसके साथ 2024 लगा देते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये एड्रेस अवेलेबल है, दिस ब्लॉक एड्रेस इज़ अवेलेबल, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ कुछ चीज़ नहीं लगाना चाह रहे तो आप शुरू में दी ट्रैवल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, आई ट्रैवल वर्ल्ड, ट्रैवल ऑफ वर्ल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ट्रैवलिंग ऑफ वर्ल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो भी वर्ड आपको सूट करता है आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ ला सकते हैं। मैंने ये सर्च किया ट्रैवल टू वर्ल्ड प्लेसेस डॉट ब्लॉग स्पॉट, मेरे पास ये मौजूद है। इसको आप डॉट कॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेटर ऑन स्टेज पे मैं आपको बताऊँगा कैसे करेंगे। हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रैवल टू वर्ल्ड प्लेसेस के नाम से आपकी जो ब्लॉग स्पॉट है वो क्रिएट यहाँ हो चुका है। ओके, हम इसको व्यू करते हैं, ये ब्लॉग है हमारा, इसको हम क्रिएट करेंगे, व्यू करेंगे, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई ट्रैवल टू वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। अब बिल्कुल ये सिंपल सा है, फिलहाल हम क्या करते हैं इसको सिंपल के ऊपर एक पोस्ट अपलोड करते हैं। ओके, पोस्ट किस तरह अपलोड करेंगे, जस्ट यहाँ आप जाएंगे, आप लिखेंगे प्लीज़ राइट एन आर्टिकल फॉर ट्रैवल फ्रॉम पाकिस्तान टू सिंगा, बल्कि हम कहते हैं स्विट्ज़रलैंड बाई एयर, ये आपने जस्ट लिखना है, ठीक है। प्लीज़ राइट एन आर्टिकल, ठीक है, ट्रैवल अब फॉर ट्रैवल गाइड, यहाँ कर देते हैं हम गाइड फ्रॉम पाकिस्तान टू स्विट्ज़रलैंड। ओके, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्टेप बाई स्टेप गाइड फ्रॉम पाकिस्तान टू स्विट्ज़रलैंड बाई एयर, ठीक है। यह हम इसको साथ में कॉपी भी कर लेते हैं, अगर कोई थोड़ी बहुत गलती होती है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, मैं इसको जो ही राइट करूँगा अब मेरे लिए ये राइट करना शुरू कर देगा। अ कम्प्रीहेंसिव स्टेप बाई स्टेप गाइड है, इंट्रोडक्शन कर रहा है वो किस तरीके से करेंगे ऑन अ जर्नी फ्राम पाकिस्तान, प्लान एंड रिसर्च कर रहा है, बुक फ्लाइट्स आप कैसे करेंगे, पैक एंड प्रिपेयर कैसे करेंगे, अराइव एट द डिपार्चर एयरपोर्ट कैसे करेंगे आप, सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन कैसे होगा, ऑन बोर्ड द फ्लाइट कैसे करेंगे, अराइविंग द स्विट्ज़रलैंड कैसे करेंगे, एक्सप्लोरिंग द स्विट्ज़रलैंड करेंगे, कंक्लूजन में ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। इसको आपने क्या करना है, बासानी यहाँ ऊपर जाएंगे, टॉप के ऊपर यहाँ आइकन मौजूद हैं, ये इस आइकन को क्लिक करेंगे आप और ब्लॉग स्पॉट के अंदर आप आएंगे, यहाँ आपने नई एक पोस्ट है आपके पास, यहाँ आप पोस्ट क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, आप इसको ऐसे करके पेस्ट करेंगे, आपका ये सारे का सारा रिकॉर्ड पेस्ट हो गया। अब आप यहाँ इसको इसी के अंदर से जो उसने आपको टाइटल बना के दिया है वही एज इट इज़ टाइटल आपने उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस प्रोसेस को आप जस्ट थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर लें ताकि आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। मैं जस्ट ये दो ही प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये है लेबल्स, ठीक है, ये लेबल्स आपके पास आ रहे होंगे, इन लेबल्स को आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर जो चीज़ें की हैं ट्रैवल, ट्रैवल एडवाइज़र, ट्रैवल एडवाइजरी, इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं जस्ट एक ऐड करता हूँ, ट्रैवल ट्रैवल एडवाइज़र, ट्रैवल एडवाइजरी, जस्ट इतना ऐड करने के बाद मैं इसको पब्लिश के बटन पर क्लिक कर दूँगा। जो ही मैं पब्लिश के बटन पर क्लिक करूँगा, कन्फर्म करूँगा, तो मेरा जो ब्लॉग स्पॉट है उसके ऊपर ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर ज़ीरो थी, इसको मैं फ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये पोस्ट अपलोड हो गई है, देखिए बिल्कुल क्लियर कट ये इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन बिल्कुल सिंपल सी है, मुझे कोई वेबसाइट की कोई लेआउट कोई नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल पर जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा ब्लॉग डाउनलोड ब्लॉग स्पॉट थीम, ठीक हो गया, ब्लॉग स्पॉट डाउनलोड थीम, जो भी वर्ड आप यूज़ करते हैं ये आपके पास आ गए हैं। देखें ब्लॉगर के 2000 टॉप फ्री के जो टेम्पलेट्स हैं। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा एक और करता हूँ, थीम फॉर ट्रैवल वेबसाइट, मैं थोड़ा सा इजी कर देते हैं, ट्रैवल ब्लॉग वेबसाइट टेम्पलेट, ठीक है, यह आ गया ट्रैवल ब्लॉगर टेम्पलेट, ये आप कर सकते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, बहुत सारे ट्रैवलिंग के जो थीम्स हैं, जो लेआउट्स हैं, वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे,
ये देखें, ये वीलॉगर का थीम आपके पास आ सकता है, आप ये स्टार्टर का कर सकते हैं, लाइट, यहाँ पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ सकती है। दूसरा, मैं इसको ट्रैवल ब्लॉग को कर सकता हूँ, ये ट्रैवल ब्लॉगर टेम्पलेट्स है, बी टेम्पलेट्स, इनको हम लोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये चीज़ें देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये क्योंकि पेड हैं, आप पेड इनसे ख़रीद सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप फ्री वाला सर्च करते हैं तो आपको फ्री वाली भी चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी। ओके, यहाँ ट्रैवल ब्लॉगर टेम्पलेट है, मैं इनमें से कोई सा भी एक टेम्पलेट जो है वो आपका डाउनलोड कर लूँगा और उसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। ये टेम्पलेट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये मुझे लग रहा है कि जी ये ट्रैवल वगैरह के हिस्ट्री के हवाले से है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये फ्री डाउनलोड, ये देखें फ्री डाउनलोड मौजूद है, ये यहाँ डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे जो ही, तो आपके पास यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पर आपने ये तीन फाइलें आपके पास आ गई। इस फाइल को आपने राइट क्लिक करना है और ओपन विथ की इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपलोड करेंगे। नोट पैड में ही हम ओपन कर लेते हैं और इसको आप यहाँ से ऐसे करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इस ब्लॉक के ऊपर जाएंगे और यहाँ अपने थीम के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। थीम के बाद यहाँ इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट थीम के ऊपर क्लिक करेंगे, जो ही वो जो टेक्स्ट है वो एडिट थीम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी वहाँ पर आप जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। ये आपके पास कोड आया, आपने जैसे इस कोड को जो प्रीवियस वाला था उसको किया और फ्रेश कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपके पास ये चीज़ प्रोसेस था, ठीक है, ये प्रोसेसिंग हो रहा, सेव होगी, इसको हम कंट्रोल F5 करेंगे तो हमारी जो नया टेम्पलेट है जो कि इस पैटर्न के मुताबिक है, ये देखें ये हमारा पैटर्न चेंज हो गया। ये स्टाइल था हमारा, इसी स्टाइल के अंदर ये सारा पैटर्न चेंज हो चुका है। इवन यहाँ पर हमारा जो पोस्ट है वो भी चेंज हो गया, लेकिन चूंकि यहाँ हमने कोई थंबनेल नहीं लगाया, अब हम क्या काम करते हैं, हम करते हैं सिंगापुर, जस्ट इस तरह करके करें, इमेजेस की बात करें, ठीक है, तो आपके पास सिंगापुर की कोई ना कोई इमेज आपके पास आ जाएगा। जैसे ये ग्रीन सिटी है सिंगापुर का, या ये नेशनल जियोग्राफिक का वो है, आप कोई भी एक इमेज यहाँ से उठाएँ, ठीक है, या आप सिंगापुर का है, इस इमेज को आप सेव करें और एज ए जो थंबनेल है उसके तौर पर आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको ऐड करता हूं और इसको मैं अगेन वापस जाता हूं, जो हमारी मेरी पोस्ट है इस पोस्ट को मैं यहां से एडिट करते हैं हम। ओके, इसके ऊपर भी क्लिक करें तब भी ये एडिट फॉरवर्ड में आ जाएगा और जस्ट यहां हमने क्लिक करने के साथ ये इमेज है आपका, आपके पास यहाँ आपने इमेज अपलोड कर लेना है। ये आपने इमेज यहाँ सेलेक्ट किया, यह प्रोसेस किया, यहाँ इमेज आपका आ गया, आपने यहाँ इसको जस्ट अपडेट किया और यहाँ फ्रेश, इसके ऊपर फ्रेश करेंगे हम तो हमारा इमेज यहाँ पर एज ए थंबनेल के तौर पर आ जाएगा। किस तरह करेंगे जी, हम इसको इस तरह प्रोसेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये एज ए उसके प्रोसेस के तौर पर आ चुका है। अगर हम मैं जस्ट सिर्फ इसकी बेस पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ तो क्या इसका प्रोसेस, देखें यहाँ एक गाइड आ गई, यहाँ जस्ट इमेज आ रहा है हमारा, यहाँ नीचे दो तीन लाइनें आ रही हैं, ठीक है। तो आपने जस्ट सिर्फ इस तरीके से ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, अब वो प्रोसेस होती जाएंगी। अच्छा, ओके, जिस वक्त ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो जाएंगी और आप ये पोस्टें आपकी अपलोड हो जाएंगी, ऑलमोस्ट 60-70%, यहाँ 70 पोस्ट जो हैं वो अपलोड होने के बाद आप इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे, अर्निंग के ऊपर, यहाँ आप अपने गूगल एडसेंस को क्रिएट करें और कनेक्ट कर दें। जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो आएंगी और उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकेंगे। तो इस तरीके से चैट जीपीटी ब्लॉगर को और गूगल को और इस तरह टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए आप बआसानी ऑनलाइन ब्लॉगिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आएगी, मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।